मेरे स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ आए हैं और हमेशा की तरह इस क्वेश्चन को लगाने के पहले कॉपी पेन ले लीजिए, आप लोग खुद इस क्वेश्चन को लगाइए और फिर मैच करिए, देखिए क्या क्या पॉइंट्स आपके सेम हैं, क्या क्या अलग हैं और अपना सेल्फ इवेल्युएशन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका क्या है, दो द ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया that they have failed to exert themselves against the mighty and powerful. Analyzing their structural and practical limitations suggests remedial measures. यद्यपि मानव अधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में बहुत योगदान दिया है, फिर भी वे शक्तिशाली और शक्तिशाली के खिलाफ खुद को मुखर करने में विफल रहे हैं। उनकी संरचनात्मक और व्यवहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए उपचारात्मक उपायों को सुझाव दीजिए। अब देखिए, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात किया गया है तो कुछ इसके बारे में देख लिया जाए कि ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट यूनाइटेड नेशंस के अंदर आपका डेवलप हुआ और बेसिकली यूनाइटेड नेशंस में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ 1948 में और फिर उसके बेसिस पे कई सारे देशों ने इस प्रिंसिपल को फॉलो करना शुरू किया और फाइनली इसका कल्मिनेशन हुआ पेरिस प्रिंसिपल्स में 1991 में। और पेरिस प्रिंसिपल्स में कुछ सिद्धांत रखे गए कि मानव अधिकार को कैसे संरक्षित किया जाएगा, क्या क्या बातें हैं, उसी को आदर्श बना के हमारे यहां पे एक एक्ट बनाया गया, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो 1993 में एक मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम हमारे देश में बनाया गया 1993 में। अब देखिए, मानव अधिकार है क्या, तो मानव अधिकार के बारे में अगर आप देखिएगा तो जिस तरह का डेफिनेशन है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में बहुत ही ज्यादा विस्तारित है, वो बहुत ज्यादा आपका डायनेमिक है और बहुत ज्यादा इंक्लूसिव है। बहुत सारे देश अपने देशों में फंडामेंटल राइट्स के थ्रू जो नहीं दे पा रहे हैं वो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में दिया गया है। तो इट्स वेरी डायनेमिक इन नेचर, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी इंक्लूसिव इन नेचर, गतिशील है और बहुत ज्यादा समावेशी है और बहुत सारे अधिकार इसमें दिए गए। तो जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसमें ह्यूमन राइट्स को क्या समझाया गया, व्हाट इज ह्यूमन राइट्स। सिंपल सा कंसेप्ट है, मानव होने के वजह से जो अधिकार आपको मिलना चाहिए उसको मानव अधिकार कहा जाएगा। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग द राइट्स विच अ पर्सन शुड बी गिवन इज नोन एज ह्यूमन राइट्स। और ये किसी देश की बाउंड्री या किसी देश की टेरिटरी पे नहीं डिपेंड करता, ये माना जाता है कि दीज ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर गिवन टू ह्यूमन बीइंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस एक्सेट्रा। तो ये इन बातों पे भी भेद नहीं करता कि आपका जन्म स्थान कहां पे हुआ है, आप कहां के निवासी हैं, आपका मूल वंश क्या है, आपका लिंग क्या है, आप कहां पे रहते हैं, इत्यादियों से ये परिभाषित नहीं होता, ये सार्वभौमिक है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल शुड एंजॉय सर्टेन राइट्स एंड दीज राइट्स आर ह्यूमन राइट्स विच इज गिवन टू ऑल इंडिविजुअल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस एक्सेट्रा। तो हमारे यहां पे जो इस मानव अधिकार के संरक्षण करने के लिए जो आपकी संस्था का निर्माण किया गया वो है ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। और ये किसके अंदर आया, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के अंदर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आपका बनाया गया। इसको एक बार परिवर्तन किया गया है 2006 के आसपास, फिर आपका परिवर्तन हुआ है 2019 में। सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया एट दे हैव फेल्ड टू एजर्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द माइटी एंड द पावरफुल एनालाइजिंग देयर स्ट्रक्चरल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशन सजेस्ट रेमेडियल मैटर्स। तो यहां पे आपके स्ट्रक्चरल और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस की बात की जा रही है और ये बोला जा रहा है कि मानव अधिकार आयोग ने बड़ा अच्छा काम किया हमारे देश में, उसके बावजूद
ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोगों के विरोध में काम नहीं कर पाया। तो देखिए मानव अधिकार ने हमारे देश में क्या सुनिश्चित किया है, हर एक क्षेत्र में आपका काम किया है मानव अधिकार आयोग, चाहे आपके लेबर के क्षेत्र में हो, चाहे सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस में हो, चाहे आपके रेप विक्टिम्स हो, चाहे आपके टेररिज्म के विक्टिम्स हो, टेररिस्ट इंसिडेंट के कोई विक्टिम्स हो, चाहे हमारे यहाँ पे पुलिस के द्वारा जो एट्रोसिटीज की गई है उनके विक्टिम्स हैं, तो इनको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। जैसे ये क्या कर सकते हैं, ये पुलिस स्टेशन को विजिट कर सकते हैं, जेल्स को विजिट कर सकते हैं, ये आपके किसी भी ऐसे एरिया में जहां पे इनको लगता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है वहां पे विजिट कर सकते हैं। तो ये कई जगहों पे आपके जेल में गए और वहां पे अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है या जो लिविंग कंडीशंस है वो प्रॉपर नहीं, उसको सुधारने की बात किए। कई सारे बच्चे जो आपके एम्प्लॉयमेंट पे रखे गए थे और वो आपके अंडर एज एम्प्लॉयमेंट पे थे, उनके अगेंस्ट इन्होंने कंप्लेन करवाया। तो कई सारे काम इन्होंने किया है, लेकिन कुछ इनके प्रैक्टिकल लिमिटेशंस आपको देखने को मिलेंगे। और वो आपको जो देखने को मिलेगा वो क्यों है, क्योंकि इनकी संरचना में ही कुछ गड़बड़ी आपकी है। जैसे प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है, स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस है, कुछ प्रासंगिक आपकी सीमाएं हैं और कुछ ढांचागत सीमाएं हैं। जैसे मानव आयोग ने बड़े सारे क्षेत्र में काम किया है, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ जगहों पे कम आपको इनकी कमियां कुछ उजागर होती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या आपका है उसको देखा जाए, किन किन मामलों में ये आपके कमियां हैं। जैसे आप बात करिएगा तो स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस क्या है, स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस, स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस क्या है और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस क्या क्या है। तो स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस अगर आप देखिएगा, इनके ढांचे में क्या कमी है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पाते। तो पहला बात तो आप ये देखिएगा, इनके पास ये तो अधिकार है कि अगर मान लीजिए किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो उसमें मानव अधिकार संबंधित कोई मामला है तो कोर्ट से स्टे लेके उस मामले को अपने पास ले आ सकते हैं, फिर उस पर जो भी इनको ब्रीफिंग देनी होगी उसके बाद उसको वापस आपके कोर्ट में भेजा जाएगा। लेकिन और क्या लिमिटेशंस है, जैसे एक साल अगर कोई केस हो गया है, कोई मामला एक साल पुराना हो गया है, तो ऐसे मामले को आप यहां पे दर्ज नहीं करवा सकते। ये ढांचागत समस्या में आपको आएगा कि इनका स्ट्रक्चर, इनका वर्किंग ऐसा है कि एक साल से पुराना अगर मामला है तो उसको नहीं संज्ञान में ले सकते। और जो बाहुबली है, जो शक्तिशाली है, वो क्या करते हैं, किसी भी अपराध को दबाने की क्षमता रखते हैं। बड़े लंबे समय के बाद अपराध उजागर होता है कई सारे मामलों में, दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच साल के बाद कई सारे मामले आपके उजागर होते हैं। कई सारे मामले ऐसे उजागर होते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी हैं, अगर उन्होंने कोई गलती किया है तो उनके रिटायरमेंट के बाद विसल ब्लोइंग होती है, उन सारे मामलों में ये कोई जांच पड़ताल ही नहीं कर पाते। दूसरा इनका स्ट्रक्चरल लिमिटेशन आप क्या देखिएगा, इनके पास अपनी कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं है, दे डू नॉट हैव इट्स ओन इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, इन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास अपना कोई, एक तरह से कहा जाएगा कि अन्वेषण करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए कोई अपना तंत्र नहीं है। ये स्टेट पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस मामले को जांच पड़ताल पे डाल दीजिए, या स्पेशल किसी पुलिस से कह सकते हैं, सीबीआई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा मानव अधिकार का मामला आया है, आप इस पे जांच पड़ताल करवा दीजिए। तो सेकेंड मेजर स्ट्रक्चरल लिमिटेशन इनका ये है जो आप देख सकते हैं। थर्ड स्ट्रक्चरल लिमिटेशन आप क्या देखिएगा, इसमें बड़े लार्ज स्केल पे जो पोस्टिंग हो रही थी वो पोस्टिंग किस तरह से मानी जाती है, पोस्टिंग एक तरह से प्लम पोस्टिंग, प्लम पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से लोगों को जो सरकारी नौकरियों में रहे हैं पोस्ट रिटायरमेंट, उनको कुछ बेनिफिट देने के लिए ऐसी पोस्टिंग्स आपको दे दी जाती हैं। तो एनएचआरसी में आपको जगह दे दिया जाएगा, और एक्चुअली में होना क्या चाहिए, एक्चुअली में एनएचआरसी में जो सिविल राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, मानव अधिकार के जो आपके कार्यकर्ता हैं, उनको ज्यादा जगह होना चाहिए,
लेकिन कौन इसमें जगह पाता है? लार्जली ब्यूरोक्रेट्स को इसमें जगह दिया जाता है। नौकरशाही जब रिटायरमेंट आपका हो जाएगा तो उनको अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए इसमें जगह दे दिया जाएगा। तो ये एक और मेजर लिमिटेशन आपको देखने को मिल सकता है, इस तरह की और समस्या आपको देखने को मिलती है। फिर आप देखिएगा इसमें क्या है कि ये केवल और केवल रिकमेंड कर सकता है कि ये आपका दंड दिया जाए। इट हैज ओनली रिकमेंडरी पावर, ये केवल सिफारिश कर सकता है, इसको खुद दंड देने की शक्ति नहीं है। और क्या लिमिटेशन स्ट्रक्चरल है? जैसे ये आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकता, इनकी लिमिटेशंस बनाई गई हैं कि ये सैन्य बल के विरोध में नहीं कर सकते। और मैक्सिमम जो आप देखिएगा हमारे देश में जो मानव अधिकार का लार्जली उल्लंघन हो रहा है, वो कुछ एक्ट्स हैं जिनके आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, जिनके अंदर लार्जली सिटीजंस क्लेम करते हैं कि हमारे मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो अगर हमारा एनएचआरसी ऐसे सारे मामलों का जांच पड़ताल नहीं कर सकता तो फिर प्रैक्टिकल लिमिटेशंस आप देखिएगा, स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस आपके क्रिएट हो रहे हैं। फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी ये जांच नहीं कर सकता है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी जांच नहीं कर सकता। तो ये सारा लिमिटेशन आप देख रहे हैं, और वो लिमिटेशंस आप क्या देख रहे हैं, जनरली किस तरह के लिमिटेशंस हैं स्ट्रक्चरल, एक साल से पुराना मामला नहीं दे सकता, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसका अपना नहीं होता, ये रिक्वेस्ट करता है किसी संस्था से जो इसके बारे में जांच पड़ताल कर दे। फिर ये माना जाता है कि जो यहाँ पे पोस्टिंग्स होती हैं वो अपीजमेंट पॉलिसी के थ्रू खुश करने के लिए प्लम पोस्टिंग माना जाता है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ पे जगह दिया जाता है, जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए, सिविल राइट एक्टिविस्ट वालों को ज्यादा जगह देना चाहिए। फिर क्या प्रॉब्लम आप देख सकते हैं और किस तरह का प्रॉब्लम आपका यहाँ पे है कि इट इज द रिकमेंडेशंस आर ओनली रिकमेंडरी, केवल सिफारिश देते हैं, आर्म्ड फोर्सेज पे ये जांच पड़ताल नहीं कर सकते, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मामला है उस पे भी जांच पड़ताल नहीं कर सकते। तो ये कुछ इनके ढांचे में, इनके कुछ बनावट में, इनके कुछ कार्य प्रक्रिया में ही समस्या है, प्रोसीजरल एरर्स आप देख सकते हैं जो इनको देखने को मिल रहा है। अब देखिए प्रैक्टिकल लिमिटेशंस किस तरह के हैं, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस अगर आप बात करेगा तो प्रासंगिक किस तरह के आपके यहां पे देखने को मिलेगा वो क्या है, यहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखने को मिलता है कि जो पोस्ट है एनएचआरसी के, जो पोजीशंस हैं, बड़े लंबे समय तक फिल ही नहीं किए जाते हैं, गवर्नमेंट वैकेंट रखती है ऐसे पोजीशंस को लंबे समय तक। तो अगर लंबे समय तक पोजीशंस वैकेंट हैं, आपके एनएचआरसी का चीफ ही नहीं है, एडहॉक है, मेंबर्स की कमी है, तो वो फुल फ्लेजेड काम नहीं कर पाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। प्लस जो आपके मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जो फंक्शनरीज होते हैं, इनको ह्यूमन राइट्स में कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दी जाती, मानव अधिकारों के संरक्षण में कोई बहुत ज्यादा इनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, बहुत ज्यादा प्रशिक्षण नहीं है, बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, और ह्यूमन राइट्स के कमीशन में बैठे हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, ये प्रैक्टिकल लिमिटेशंस में आप देख सकते हैं। और किस तरह के समस्याएं आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके पुलिस है वो कई बार क्या करता है, एनएचआरसी के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है। नॉर्मली पुलिस को क्या बोला जाता है, थर्ड डिग्री का उपयोग ना करिए, कस्टोडियल वायलेंस नहीं होना चाहिए, कस्टडी में डेथ नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लगातार देखिएगा कि कुछ ऐसे इंसिडेंट आपको बार बार देखने को मिलेगा कि पुलिस कस्टडी में रहते हुए हिंसा हो गया, पुलिस कस्टडी में रहते हुए किसी अपराधी को जान से मार दिया गया, पुलिस कस्टडी के अंदर ही पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल के दौरान किसी की जान चली गई। तो ये सब बातें आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं एनएचआरसी के द्वारा पुलिस को, वो फॉलो आपका नहीं हो रहा है। तो ये कुछ लिमिटेशंस आप देखेगा प्रासंगिक मामलों में, टेक्निकल लिमिटेशंस हैं। पोस्ट क्या है एनएचआरसी के, एनएचआरसी के जो पोस्ट हैं उसमें जो मेंबर्स आपके आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स का नॉलेज नहीं है,
दूसरा बात क्या है, पोस्टिंग्स भी प्रॉपर नहीं है, वैकेंट रहते हैं, लंबे समय तक पोस्ट वैकेंट रखते हैं और पुलिस एनएचआरसी के गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रही है। तो ये आपके बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप देखिएगा तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि अगर एक बार आप एनएचआरसी के फंक्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके लिमिटेशंस को पढ़ लीजिए, तो ये आपका टॉपिक लगभग लगभग तैयार हो जाता है। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आता है या स्टैट्यूटरी बॉडीज में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जीएस पेपर 2 का पार्ट है ये। उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, रेमेडीज क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सुधार आप देख सकते हैं, किस तरह का सुधार होगा। तो जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दीजिए, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अगर आप प्रोवाइड कर दीजिए तो सॉल्यूशंस आपके निकल जाएंगे। जैसे इसमें यह बोला जा रहा है कि इसके पास अपना कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं है, तो क्या किया जाए, इनको एक अलग से इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी दे दिया जाए। जैसे ये प्रॉब्लम्स आपको बड़े सारे संस्थाओं में मिलेंगी, एनएचआरसी में है, लोकपाल लोक आयुक्त में है, तो इनके पास अपना कोई इन्वेस्टिगेशन का मैटर आपका मैकेनिज्म नहीं है। ये स्टेट पुलिस को, सेंट्रल पुलिस को, सीबीआई को, किसी को रिक्वेस्ट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि जांच पड़ताल करवा दीजिए। अगर इनके पास अपना पुलिस व्यवस्था हो, अपना इन्वेस्टिगेशन का मैकेनिज्म हो, तो ये कुछ फाइंडिंग्स के साथ आ सकते हैं जो कि पुलिस विभाग से अलग होगा। तो उसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आपके फाइंडिंग्स हैं पुलिस के और जो एनएचआरसी के हैं, वो अगर डेविएट कर रहे हैं तो एक साथ बैठ के उनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। फिर एक बार को ये हो सकता है कि हमें किसी भी प्रॉब्लम का दो एंगल मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकेंड बात आप क्या देख सकते हैं, सेकेंड बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट को ज्यादा यहाँ पे जगह दिया जाए, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट को इसमें जगह ज्यादा दिया जाए, क्योंकि वो सिविल सोसाइटी के साथ साथ किस चीज के एक्टिविस्ट के, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को यहाँ पे ज्यादा जगह दिया जाए, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, मानव अधिकार की समस्याओं को रोज देखते हैं, इस वजह से उनको जगह देने की संभावना ज्यादा होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी के बजाय 50% ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव शुड बी फ्रॉम द सिविल सोसाइटी एंड ह्यूमन राइट्स वॉच ग्रुप। थर्ड पॉइंट आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसी नहीं रखा जाए, पोस्टिंग्स पे वैकेंसी नहीं रखा जाए, फिलिंग्स आपके प्रॉपर हो, जो नंबर ऑफ द मेंबर्स विच आर देयर वो प्रॉपर आपके जनरेट हो, प्रॉपर मेंबर्स हैं, ताकि फुल फ्लेजिडली आपके एनएचआरसी काम कर सके। एक और सॉल्यूशन आपका क्या है कि इनको जो भी ये जजमेंट देते हैं वो रिकमेंडरी है, रिकमेंडरी आपका रखा गया, केवल सिफारिश देते हैं। तो यहां पे क्या है, यहां पे एक तरह से क्या किया जा सकता है, इनको ट्रिब्यूनल की तरह बना दिया जाए, अधिकरण की तरह बना दिया जाए, और ये जो जजमेंट देंगे इनको बाइंडिंग कर दिया जाए, सब्जेक्ट टू द चैलेंजिंग बिफोर द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो इनके जो जजमेंट, इनके जो निर्णय आते हैं, फाइंडिंग्स आते हैं, उसको एक ट्रिब्यूनल की तरह काम पे रख दिया जाए, जैसे हमारे यहाँ पे एनजीटी है, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, वैसे ही आपका ये ट्रिब्यूनल बना दिया जाए, एनएचआरसी ट्रिब्यूनल, और ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट को हाई कोर्ट में फिर आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट का इनको राइट दिया ही गया है, सिविल कोर्ट में जो राइट दिया गया है, इनको प्रॉपर एक फंक्शनरी की तरह दे दिया जाए कि ये जो जजमेंट देंगे वो बाइंडिंग होगा और फिर उसके जजमेंट को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। फिर आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो हमारे यहाँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उन पे अप्लीकेशन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का कंप्लेन आता है तो एनएचआरसी को यहाँ पे देखने का मौका होना चाहिए, एनएचआरसी इन कंप्लेन्स को देख सके, ताकि ये एक व्यू पॉइंट जनरेट करके उनको सजेस्ट कर सके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके द्वारा किए जा रहे हैं, सिटीजंस को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी बात आप देख सकते हैं। तो ये भी रिकमेंडेशन में आप देख सकते हैं कि एनएचआरसी के साथ ये बात आपका लागू हो सकता है। तो ये सारे रिकमेंडेशंस हैं जो आप जनरल देख रहे हैं कि एनएचआरसी के साथ क्या क्या आपके सुधार करने की पॉसिबिलिटी आपका है, जो आप देख रहे हैं। दूसरा बात आप यहाँ पे, एक और पॉइंट यहाँ पे जनरली देख लीजिए कि एक अमेंडमेंट हुआ था, और वो अमेंडमेंट 1993 में हुआ था,
और सॉरी 2019 में हुआ था, उसमें जो कुछ कमियां थी ह्यूमन राइट्स के एक्ट में, उसमें थोड़ा सुधार किया गया है। तो क्या सुधार किया गया है? ओरिजिनल जो एक्ट आपका है 1993 का, उसमें कंपोजिशन ऑफ एनएचआरसी क्या रखा गया है, एनएचआरसी का जो भी चीफ होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही हो सकता है, या तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। यहां पे जो अमेंडमेंट किया गया है 2019 में, वो क्या किया गया है, एनएचआरसी का जो हेड करेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। तो एक हमारे यहां पे आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल लिमिटेशन क्या थी पहले की 1993 एक्ट में, जो एनएसआरसी का चीफ होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होगा। अब इसके वजह से प्रॉब्लम क्या होता था, इसके वजह से प्रॉब्लम ये होता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑलरेडी ओवरबर्डेंड है और उसके साथ उसको आप इसका भी फंक्शन दे दीजिएगा तो प्रॉपरली इस फंक्शन को नहीं आपका कर पाता था। यहां पे चेंज किया गया है तो यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है, रिटायर्ड हो सकता है, एक्स जज हो सकता है। तो ये चेंजेस कुछ आपके किए गए हैं, ठीक है। सेकेंड इसमें क्या चेंज किया गया है, 1993 एक्ट में ये बोला गया है कि इसके पूरे कंपोजिशन में दो मेंबर्स ऐसे होंगे जिनको ह्यूमन राइट्स का नॉलेज होगा। इस 2019 वाले एक्ट में क्या किया गया है, थ्री मेंबर्स को ऐसा रखा गया जिसमें जिनको ह्यूमन राइट्स का नॉलेज होगा प्लस एक मेंबर उसमें वुमेन होनी चाहिए, ये आवश्यक कर दिया गया है। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, थर्ड पॉइंट इसमें यह बोला गया है कि एक्ट के अंदर जो चेयरपर्सन ऑफ वेरियस कमीशन, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये इसके मेंबर्स होते थे। जो आपका अमेंड करके एक्ट बनाया गया उसमें क्या हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ में नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी को भी इसमें मेंबर दिया गया है, और साथ ही साथ में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसका भी जो चेयरपर्सन होगा उसको भी मेंबरशिप दिया गया है, और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज उसको भी एनएचआरसी का मेंबर बना दिया गया है। तो पहले आपके एक आपका कौन था, एक चेयरपर्सन था, एक आपका चेयरपर्सन था, चेयरपर्सन के अंदर दो ऐसे व्यक्ति थे जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में नॉलेज हो, प्लस आपका और क्या रखा गया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। जो चेंज किया गया है वो क्या किया गया है, चेयरपर्सन तो रहेगा ही रहेगा लेकिन दो के बजाय तीन मेंबर्स को यहां पे ह्यूमन राइट्स में जगह दिया गया है, ह्यूमन राइट्स की जिनको नॉलेज होगा उसमें एक मेंबर वुमेन होगा हर हाल में, एक मेंबर वुमेन होंगी हर हाल में। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ साथ नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर, फिर आपका क्या है, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विथ डिसएबिलिटीज, ये आपका जगह दिया गया है। तो ये एक मेजर पॉइंट आपका है चेंज जो किया गया है। यहां पे पुराने वाले एक्ट में क्या था, चेयरपर्सन ऑफ एचएसआरसी कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, लेकिन अब जो चेंज किया गया है वो एचएसआरसी का जो चेयर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो चेयरपर्सन होगा वो जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। फिर टर्म ऑफ ऑफिस क्या था, पहले टर्म था 5 साल और 70 वर्ष की आयु, अब यहां पे टर्म कर दिया गया है 3 साल और 70 वर्ष की आयु। तो ये पॉइंट आपका है। और पहले वाले आपके यहां पे क्या था, जो यूटीज के आपके मामले थे वो एक तरह से आप देखिएगा कि अब क्या उसमें चेंज किया गया कि जो यूटीज के मामले हैं वो रेस्पेक्टिव आपके आसपास के जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें आप जाके रख सकते हैं। तो ये कुछ मेजर प्रैक्टिकल चेंजेस किए गए हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर, इसको और प्रैक्टिकल बनाने के लिए, इसके फंक्शंस को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर को और सुधारने के लिए कुछ मेजर चेंजेस आपके किए गए हैं। तो ये सारा पॉइंट आप देख सकते हैं।
और एक और आपका यहाँ पे जज आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं, हालांकि वो बहुत प्रैक्टिकल तो नहीं कहा जाएगा, और लेकिन आप रिकमेंडेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, और वो क्या है, यहाँ पे एनएचआरसी को आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दें। अभी इसको स्टेचुटरी बॉडी दिया गया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए।